हेलो इंडिया प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर चिकेटिक्स में आपका स्वागत है। जी सिने अवार्ड्स जीके के 2020 के जितने क्वेश्चन बनते हैं जी सिने अवार्ड से, जी सिने अवार्ड में एंटरटेनर ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट मूवी, सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने जीते, सारे क्वेश्चन मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो तुरंत शुरुआत करते हैं जी सिने अवार्ड्स की। इससे पहले मैं आपको फिल्म फेयर और स्क्रीन अवार्ड भी दे चुका हूँ, तो जी सिने अवार्ड के बारे में शुरुआत करते हैं। ये बेस्ट एक्टर हैं और ये बेस्ट एक्ट्रेस हैं। इस बार जी सिने अवार्ड में इन दोनों को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? सबसे बढ़िया जिसने एंटरटेन किया पूरे साल, ये अवार्ड मिला है सबके फेवरेट आयुष्मान खुराना को। उनकी काफ़ी मूवी आई हैं, बाला मूवी आई थी, आर्टिकल 15 आई थी, ड्रीम गर्ल आई थी, ये सारी सुपर हिट मूवी गई हैं, 100 करोड़ की रेंज में गई हैं। एंटरटेनर ऑफ द ईयर का खिताब उन्हें मिला। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल का अवार्ड मेल का मिला है गली बॉय के हीरो, आपको पता ही होगा, रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह कुल 3 अवार्ड ले चुके हैं इस बार। ये कौन कौन से अवार्ड लिए हैं जी सिने अवार्ड में, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाने के बाद वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सब। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणवीर सिंह गली बॉय मूवी के लिए। और मैं आपको बता दूं, गली बॉय मूवी को ही ऑफिशियल एंट्री घोषित किया गया ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इस बार। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल फीमेल। बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड गया तापसी पन्नू को बदला मूवी के लिए। बदला में अमिताभ बच्चन थे, आपने देखा होगा। बदला मूवी के लिए बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड गया है तापसी पन्नू को। फिर है बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल, सबके फेवरेट चॉकलेटी हीरो, आजकल ये काफ़ी चल रहे हैं, सारा अली खान के भी फेवरेट हैं, पति पत्नी और वो के लिए कार्तिक आर्यन को मिला है बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड, जिसमें भूमि पेडनेकर और इस साल की सनसनी चंकी पांडे की बेटी। पति पत्नी और वो के लिए उन्हें बेस्ट कॉमिक रोल का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को। बेस्ट डिब्यूट फीमेल का अवार्ड, और सारे जी सिने में अवार्ड में भी इन्होंने जीता है, फिल्म फेयर में भी, स्क्रीन अवार्ड में भी। बेस्ट डिब्यूट फीमेल का अवार्ड चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे ने। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है बेस्ट डिब्यूट फीमेल अनन्या पांडे। बेस्ट डिब्यूट मेल का अवार्ड मिला है इस बार सिद्धांत चतुर्वेदी को। गली बॉय में ये शेर के नाम से बने थे और रणवीर सिंह के दोस्त बने थे। बेस्ट डिब्यूट मेल का अवार्ड। बेस्ट ऑन स्क्रीन पेयर, स्क्रीन पे सबसे अच्छी जोड़ी का अवार्ड भी इन दोनों को मिला है, सिद्धांत चतुर्वेदी और रणवीर सिंह। रणवीर सिंह और सिद्धांत चतुर्वेदी को गली बॉय के लिए बेस्ट ऑन स्क्रीन पेयर, स्क्रीन की सबसे बढ़िया जोड़ी का अवार्ड भी मिला है। तो 2 अवार्ड इन्होंने जीते और 2 रणवीर सिंह ने जीत लिए। 1 अवार्ड और रणवीर सिंह ने जीता है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। सॉन्ग ऑफ द ईयर, अपना टाइम आएगा, घंटा लेके आया है, घंटा लेके जाएगा, ये गाना आपने सुना होगा। गली बॉय मूवी के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, अपना टाइम आएगा। फिर है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, गली बॉय की डायरेक्टर को मिला है और गली बॉय की डायरेक्टर है जोया अख्तर। जोया अख्तर फरहान अख्तर की सिस्टर हैं, सबान आजमी की बेटी हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है उन्होंने गली बॉय मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी गली बॉय को मिला है, बेस्ट फिल्म। और मैंने अभी आपको बताया था कि ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री के लिए जो फिल्म भेजी जा रही है वो भी गली बॉय भेजी जा रही है। पल पल दिल के पास, इस मूवी में सन्नी देओल के बेटे लॉन्च हुए थे और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का इन्हें तो कोई अवार्ड नहीं मिला, मूवी भी ज़्यादा नहीं चल पाई, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को पल पल दिल के पास गाने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बनता है, बताइए सन्नी देओल के बेटे का नाम क्या है जिन्होंने अपनी एंट्री डिब्यूट मूवी की थी पल पल दिल के पास, इनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और कल 28 मार्च है, 28 मार्च को शाम ये अवार्ड जो फंक्शन दिखाया जाएगा G5 पे और जी सिने अवार्ड्स जी के सभी चैनल पे ये दिखाए जाएंगे। वैसे 13 मार्च को एक फंक्शन में ये अवार्ड दिए गए थे लेकिन वहाँ पे कोई भी दर्शक नहीं थे, तो दर्शकों के लिए पहली बार ये एंटरटेनमेंट जी सिने अवार्ड दिखाए जाएंगे 28 मार्च को शाम को।
बेस्ट कोरियोग्राफी, सबसे अच्छा डांसिंग अवार्ड मिला है बॉस्को को, आपको पता होगा। और ये गाना था जय जय शिव शंकर फ्रॉम वार मूवी, बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड बॉस्को सीजर को। बॉस्को सीजर ने ये गाने के डांस के स्टेप बड़े ज़बरदस्त रहे थे, बड़ा हिट रहा था जय जय शिव शंकर। होली का एक गाना था, काफ़ी दिनों बाद होली का कोई गाना फेमस हुआ है, काफ़ी समय से होली का कोई गाना फेमस भी नहीं हुआ था। बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड इन दोनों को मिला है, खूबसूरत जोड़ी को। इनका नाम है सचेत और परंपरा, सचेत और परंपरा को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला है कबीर सिंह के लिए। कबीर सिंह मूवी ने तहलका मचा दिया था, साल की सुपर डुपर हिट रही थी कबीर सिंह। शाहिद कपूर ने इसमें एक्टिंग की थी और ये एक तमिल मूवी का रिमेक भी थी। वार, बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड भी वार मूवी को मिला है। वार मूवी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस बार, और कहते हैं कि हॉलीवुड का एक्शन इसमें था, और ये एक्शन क्या था, पॉल जेनिंग्स ने, ओशिया यंग ने, परवेज शेख ने और फ्रेंच स्विलस ने। वार मूवी के लिए बेस्ट एक्शन का इन चारों ने एक्शन दिया था वार मूवी का। और बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट विजुअल इफेक्ट का जी सिने अवार्ड भी वार मूवी को ही मिला है। YRX वार, यशराज विजुअल इफेक्ट, यशराज ने बनाया था, उन्हीं के विजुअल इफेक्ट थे, उन्होंने ये मूवी बनाई थी वार। इस मूवी के दो हीरो कौन थे, इनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ये जो आपको हीरो दिख रहे हैं, इन दोनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और सभी को पता। नेक्स्ट है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सबसे बढ़िया कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स हैं ये किए गए हैं, कितने खूबसूरत लहंगा है, साड़ी है, और साड़ी को भी अलग से डिज़ाइन करके, ब्लाउज को डिज़ाइन करके बेस्ट कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन का अवार्ड मिला है सभी के फेवरेट मनीष मल्होत्रा को। कई सालों से इंडस्ट्री में वर्क करते हैं मनीष मल्होत्रा। कलंक मूवी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग इन्होंने की थी, सभी के लिए सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे मनीष मल्होत्रा ने कलंक मूवी के लिए। बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड गली बॉय को मिला है नितिन बैद को। नितिन बैद की उम्र काफ़ी कम है और इन्हें बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है गली बॉय मूवी के लिए। अब वीवर्स चॉइस के भी कुछ अवार्ड बनते हैं। वीवर्स चॉइस बेस्ट फिल्म का अवार्ड कबीर सिंह को मिला है, कबीर सिंह मूवी के लिए बेस्ट वीवर्स चॉइस फिल्म। ध्यान दीजिएगा ये वीवर्स चॉइस बेस्ट फिल्म है, और वैसे गली बॉय बेस्ट फिल्म थी, वीवर्स चॉइस में कबीर सिंह बेस्ट मूवी रही। वीवर्स चॉइस का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी ले उड़े रणवीर सिंह गली बॉय के लिए। तो इनको तीन अवार्ड मिले, बेस्ट एक्टर का, वीवर्स चॉइस बेस्ट एक्टर का और पेयर का, ऑन स्क्रीन पेयर का अवार्ड। तो तीन अवार्ड जीते रणवीर सिंह ने, और रणवीर सिंह ने तहलका मचा दिया। सबसे ज़्यादा सुपर डुपर फैशनेबल हीरो माने जाते हैं, और कल 28 मार्च को शाम इन्हें आप देख सकते हैं लाइव, तो देखिएगा जी सिने अवार्ड, उससे आपको ये पता लग जाएंगे। और आज मैं ये वीडियो आपको दे चुका हूँ ताकि आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। वीवर्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड, वीवर्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला। वीवर्स चॉइस बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला। वैसे ये फिल्म फेयर में और स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें वीवर्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, क्योंकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तापसी पन्नू को मिला था। वीवर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपना टाइम आएगा सॉन्ग को मिला है, अपना टाइम आएगा। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, और एक बार और मैं फटाफट रिपीट करा लेता हूँ। एंटरटेनर ऑफ द ईयर नाम याद कीजिए, मैंने आपको बताया था क्या नाम है इनका, केवल मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ ताकि आप बता सकें। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फीमेल, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल, इनका नाम बताना है, पति पत्नी और वो में ये एक्टिंग कर चुके हैं। और बेस्ट ट्रिब्यूट फीमेल का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट ट्रिब्यूट मेल का अवार्ड ये जो थे इनका नाम क्या था ये भी कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, आपके लिए रिवाइज करा रहा हूँ। बेस्ट ऑन स्क्रीन पेयर, बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड किन दो एक्टर को मिला है ये भी आप बताएं। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का नाम क्या है फटाफट बताएं, बेस्ट फिल्म कौन सी है ये तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। पल पल दिल के पास किसे मिला, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड किसे मिला, कौन से सॉन्ग के लिए मिला। बेस्ट म्यूजिक कौन सी मूवी के लिए किनको मिला ये बताना है। बेस्ट एक्शन मूवी कौन सी रही है, बेस्ट विजुअल इफेक्ट मूवी कौन सी रही है किसे मिला है अवार्ड। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कौन सी मूवी के और किसे ये अवार्ड मिला है।
बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट व्यूअर्स चॉइस मूवी, बेस्ट व्यूअर्स चॉइस एक्टर, व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस और व्यूअर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाने के बाद आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्वेश्चंस को घर बैठे तैयार कर सकें। आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप हों, उन सब में इन वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए कोरोना का बंद चल रहा है, कोरोना से हमें बचाव करना है तो घर पर बैठ के आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है, अभी तो हमें पता नहीं, अभी 15 दिन का और बचा है, 14 अप्रैल तक, 21 दिन का लॉकडाउन लगा था, 14 अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद क्या स्थिति बैठती है। हम सबको मिलजुल के लड़ना है कोरोना से, कोरोना को ख़त्म करना है। कोरोना को ख़त्म करने के लिए कुछ वीडियो मैंने आपके लिए दो बनाई थी, उन वीडियो को भी देखेगा। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी में, DRPUNITGOL सर्च बॉक्स में डालिए, अनअकैडमी का ऐप खोलिए और मैं आपको मिल जाऊँगा और वहाँ पे मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। कोरोना के ऊपर एक कॉमिकल वीडियो है जो WHO ने कॉमिक्स बनाया, उसके ऊपर एक वीडियो बना के मैंने डाला है ताकि आप सबको ज्ञान हो, आप सबको पता लगे कोरोना से कैसे बचाव हो। ये कॉमिकल वीडियो जो है अपने छोटे भाई बहनों को घर में दिखाइए, सबको, बड़े बूढ़ों को, ताकि वो भी इससे ज्ञान प्राप्त करें और पता लगे कोरोना से कैसे लड़ना है। कोरोना के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में दे चुका हूँ। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे एंड आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो। और आप हमें हैट भी डेडिकेट कर सकते हैं, एक आप हैट अर्न करते हैं अगर आप हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं, तो आप अगर हैट हमें डेडिकेट करते हैं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारी वीडियो में कमेंट भी लिख सकते हैं, आई विल पर्सनली आंसर योर कमेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा मैंने आपको दिया यहाँ पे एक वीडियो जी सिने अवार्ड्स के लिए। जी सिने अवार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सभी के काम आने वाले हैं। और अब मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल है A2Z करियर सीक्रेट्स, सर्च बॉक्स में डालिए A2ZCARERS A2Z करियर्स डालेंगे तो आपको मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल वाला आइकन भी दबाएं। कम्युनिटी बॉक्स में रोजाना आपको एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, इन्हें भी आप टिक करा करें। ये 15 रुपये कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, गलत है, 8 वोट आई है 15 रुपये की, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। तो ध्यान से देखा करें, इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए एक कोटेशन मैंने आज लिखी थी और क्वेश्चंस ई कॉमर्स कंपनी, भारतीय ई कॉमर्स कंपनी पूछी गई थी। अमेजन आपका आंसर गलत है, कौन सा आंसर सही है इसे क्लिक करके दोबारा सही कीजिए। बहुत से बच्चे गलत आंसर दे देते हैं। कम्युनिटी बॉक्स में रोजाना आपको एक क्वेश्चन मेरा मिलता है। यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9837282318। आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, वील मीट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल A2Z करियर्स चिकेट ट्रिक्स ऑन यूट्यूब एंड घंटी वाला बटन जरूर दबा दें क्योंकि जब भी मेरी सुबह 8 बजे वीडियो मिलेगी आपको तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी कंपटीशन आप देते हैं, SSC बैंक, रेलवे, IBPSC, TET और MP TET के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसको चाइल्ड डेवलपमेंट में जल्दी स्टार्ट करूंगा, तो तुरंत मेरे साथ जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल A2Z करियर्स पर। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, वील मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।